नमस्ते, Redmi Note 7 डिवाइस के लिए पिक्सल ब्लास्टर ओएस का जो बिल्ड है अवेलेबल हो गया है एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान इस रॉम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ इस तरह से जो है होम स्क्रीन यूआई देखने को मिल जाएगा एंड क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ भी कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है एंड यहाँ पर इस रॉम को मैं जो लगभग 3 डेज और 4 डेज से यूज कर रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर इस वीडियो के दौरान शेयर करने वाले हैं। एंड यहाँ पर ऐप ड्रॉयर भी देख सकते हो, काफी बढ़िया है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिल जाएगा, क्लीन यूआई है एंड वॉल्यूम पैनल के साथ भी लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सबसे पहले इस रॉम का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके आप जो पिक्सल ब्लास्टर ओएस को डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर बात करें फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले इस अपडेट के साथ जो है यहाँ पर डिवाइस सेटिंग्स का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है। यहाँ पर हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन का ऑप्शन है, एमआई साउंड एनहेंसर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, अलग अलग हेडफोन टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग प्रीसेट को यहाँ से सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है, प्लस राइज टू वेकअप का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, पॉकेट मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है एंड यहाँ पर जो क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद स्पीकर में जो भी डस्ट रहेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो क्लीन हो जाएगा, इसलिए ऐड किया गया है क्लियर स्पीकर का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है, तो यहाँ पर डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद उसके बाद डबल टैप करते डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पर डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो ऑफलाइन चार्जिंग एनिमेशन का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है, सिंपली डिवाइस को स्विच ऑफ करके जो है चार्ज करने में ऑफलाइन चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलेगा। प्लस वॉल्टी भी काम कर जाएगा, पर वॉल्टी के साथ भी कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर जो वॉलपेपर जूमिंग का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट डिसेबल है इस रॉम के साथ। अगर बात करें यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस के बारे में, हमने इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन से उसे रन किया था, यहाँ पर Geekbench 5.5.1 के साथ, सिंगल कोर के साथ 317, मल्टी कोर के साथ 1318 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है एंड एवरेज स्कोर देख सकते हो, सिंगल कोर में एवरेज से कम है, मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज़्यादा देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर लगभग 15 मिनट के लिए सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट को हमने यहाँ पर रन किया था, मैक्स गया है 155, एवरेज है 145, मिनिमम है 123, यहाँ पर 91% का जो है सीपीयू थ्रॉटल देखने को मिल गया है, मैक्स सीपीयू गया है 2.20 GHz तक। बाकी यहाँ पर इस रॉम को आप डेफिनेटली एज ए डेली ड्राइवर की तरह यूज कर सकते हो, यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन है काफी बढ़िया है एंड ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा। FM रेडियो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सिंपली यहाँ पर जो हेडफोन को कनेक्ट करके FM रेडियो को भी जो यूज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। कैमरा टू एपीआई के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट है, गूगल कैमरा काम कर जाएगा, जीकैम यहाँ पर काम कर जाएगा। रिसेंटली हमने गूगल कैमरा 8.9 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में वीडियो अपलोड किया है, सिंपली जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर जीकैम को काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड, फोटो वीडियो मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। प्लस ये वाला जो कैमरा एप्लीकेशन इसे भी ऐड किया गया है, यहाँ पर कुछ इस तरह से बाय डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर कैमरा वीडियो का ऑप्शन है, आप जीकैम को भी यूज कर सकते हो इस कैमरा एप्लीकेशन के साथ। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है प्ले स्टोर अवेलेबल है, आपको अलग से जो है प्ले स्टोर को जो है इंस्टॉल नहीं करना होगा। एंड अगर बात करें यहाँ पर जो अबाउट फोन के बारे में, तो ये जो रॉम है तो एंड्रॉयड 12 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, यहाँ पर एंड्रॉयड 12 का जो स्टार है देखने को मिलेगा, यहाँ पर 5th फरवरी 2022 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है। एज बिल्ड यहाँ पर पुराना बिल्ड है, हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर, 4.4 कर्नल के साथ एज रॉम है यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है बढ़िया है, पर जो है लगभग 6 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा, ज़्यादा बैटरी यहाँ पर ड्रॉप नहीं होता है। डेफिनेटली यहाँ पर आप कौन कौन से एप्लीकेशन की यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके डिवाइस के ऊपर नया वाला बैटरी है तो बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, अगर पुराना बैटरी है तो बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर फेस अनलॉक एंड
फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, पर फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सिंपली टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया, पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काम कर जाएगा काफ़ी फास्ट, डिवाइस जो है पर अनलॉक हो जाएगा। कुछ कस्टमेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। सबसे पहले मोनेंट यूआई का ऑप्शन है, यहाँ पर कस्टम कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, तो हमने यहाँ पर ब्लैक थीम का जो ऑप्शन से एनेबल कर दिया, उसके बाद जो है हमने डार्क मोड को एनेबल कर दिया है। देख सकते हो डार्क मोड को एनेबल करने के बाद जो कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलेगा, एंड ब्लैक थीम को डिसेबल करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है चेंजेस देने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली डार्क मोड के साथ जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सरस वर्क के साथ जो है ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सरस वर्क में डबल टैप करते डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाएगा। नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन है, क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन है, सरस वर्क बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन है। डिफरेंट डिफरेंट बैटरी स्टाइल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। इसे भी ऐड किया गया है। बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। नोटिफिकेशन के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन है। लॉक स्क्रीन के ऊपर जो ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट, इरर वाइब्रेशन, रैपल एनिमेशन का ऑप्शन है। डिवाइस को अनलॉक करने के टाइम जो रैपल एनिमेशन है वो यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन है लॉक स्क्रीन के साथ भी काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर एनहांस नोटिफिकेशन ब्लिंक लाइट का ऑप्शन है। नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकॉन का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। साउंड के ऊपर जो है टच वाइब्रेशन, टच साउंड का ऑप्शन है। नाउ ब्लिंक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। लाइव कैप्शन के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन जो है अवेलेबल है। डिस्प्ले के ऊपर जो मैक्सिमम ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस के ऊपर कोई भी इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ जो टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। नाउ ब्लिंक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम करता है। रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करने से ज्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा। वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। जब भी आपके डिवाइस के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। डार्क मोड का ऑप्शन है, नाइट लाइट का ऑप्शन है। डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से काम कर चुके, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर एंड्रॉयड 12 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। मॉडर्न यूआई का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर थीम आइकॉन का जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से थीम आइकॉन भी काम करता है। अपग्रेड का जो ऑप्शन है, डार्क मोड का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। एक्सेसिबिलिटी के साथ जो है यहाँ पर साउंड नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, डार्क मोड का ऑप्शन है, प्लस लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। प्राइवेसी लोकेशन का ऑप्शन है। सिस्टम के ऊपर डिवाइस सेटिंग्स का ऑप्शन है। ओटी अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है। यहाँ पर गेशस के ऊपर जो है क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद पावर बटन को डबल प्रेस करके आप जो कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है, 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन, गेशस नेविगेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। 1 हैंडेड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके आप जो है 1 हैंडेड मोड को एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर 1 हैंडेड मोड का जो शॉर्टकट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का जो ऑप्शन से अवेलेबल है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। आप सिंपली गेशस के साथ जो है स्क्रीनशॉट को क्लिक कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। एडवांस रीस्टार्ट का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। आप सिंपली यहाँ पर पावर मेन्यू से रिकवरी बूट लोडर सिस्टम यूआई को रिबूट कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। ना पर बात कर लेते पिक्सल ब्लास्टर ओएस को किस तरह से इंस्टॉल करना होगा। कोई भी कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। नेक्स्ट आपके डिवाइस के ऊपर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। TWRP रिकवरी ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। सिंपली पावर बटन, वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा डिवाइस को स्विच अप करने के बाद। उसके बाद आपका जो डिवाइस है रिकवरी के साथ जो है बूट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिक्सल ब्लास्टर ओएस का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी जो है बूट हो गया है। कस्टम रिकवरी बूट होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जो वाइप में जाना होगा। वाइप में जाने के बाद जो है यहाँ पर डेल्विक डेटा कैश है, ये जो 3 ऑप्शन है, इस 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर जो है इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद आपने जिस भी फोल्डर में इस रॉम को डाउनलोड किया है उस
फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। विद इन 5 मिनट एज रॉम में फ्लैश हो जाएगी। इस रॉम के साथ जो है जीएप्स अवेलेबल है, इसलिए आपको अलग से जीएप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। रॉम फ्लैश होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर 3 डॉट में टैप करके रिबूट टू सिस्टम में टैप करना होगा। कुछ इस तरह से आप जो पिक्सल ब्लास्टर ओएस को फ्लैश कर सकते हो रेड नोट 7 डिवाइस के ऊपर। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।